नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे फंसी हुई सीटों। इस समय पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी लोगों से बात कर लो, किसी भी राज्य में, हर कोई कहेगा सीटें फंस गई हैं, चुनाव फंस गया है, चुनाव अटक गया है, चुनाव लटक गया है। राजस्थान की जनता से आप बात करो तो मोटे तौर पर क्या जवाब मिलता है? देखिए साहब, 25 सीटें हैं, 10-12 बीजेपी की पक्की हैं, 4-5 कांग्रेस की पक्की हैं, बाकी बची हुई 8-10 सीटें हैं फंस गई हैं। उत्तर प्रदेश में बात करो तो अभी 41 सीटें बाकी हैं और कुछ लोगों का कहना है कि पूरी 41 सीटें ही फंस गई हैं। कर्नाटक में मोटे तौर पर कहा जाता है कि 28 सीटें हैं, 10 सीटें कांग्रेस की पक्की हैं, 7 सीटें बीजेपी की पक्की हैं, बाकी 11 सीटें जो बच गई वो फंस गई। तो आखिर ये फंसी हुई सीटों का आकलन क्या है? बीजेपी के नेताओं से बात करो और फंसी हुई सीटों का ब्यौरा दो तो वो कहते हैं ना साहब, ये सब बेकार की बातें हैं, हर बार चुनाव में कुछ ना कुछ सीटें फंसती हैं। लेकिन हमारी तरफ देखिए ना, 2019 में बीजेपी को 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिला था। 164 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 2 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी। तो इस बार फंसी हुई सीट का मतलब यह है बीजेपी नेताओं के हिसाब से कि बीजेपी सीट निकालेगी लेकिन वोट परसेंटेज जीत का अंतर कम हो जाएगा। एक बार हम मान लेते हैं इस तरह, और उनकी इस बात को भी मान लेते हैं कि 2019 के अंदर 164 सीटें बीजेपी ने 2 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी और 2014 में कुल मिलाकर 42 सीटें बीजेपी ने 3 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी और 2014 में 116 सीटें बीजेपी ने 2 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी। लेकिन इसी तर्क के आगे चला जाए, यही आंकड़े देखे जाए 2019 के, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में 77 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 1 लाख के अंतर से जीती थी, सिर्फ 1 लाख के अंतर से। और अगर सीटें फंस गई हैं, 2 लाख के अंतर से ज्यादा सीटें जो जीती बीजेपी ने वो भी फंस गई हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं के अनुसार जीत का मार्जिन कम हो जाएगा और सीट निकाल लेंगे, उस हिसाब से उस तर्क को अगर 77 सीटों पर लागू किया जाए तो क्या 1 लाख के नीचे के अंतर से जीती हुई सीटें बीजेपी हार जाएगी? और ऐसी 1 नहीं 2 नहीं 77 सीटें हैं। अपने आप में ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो सीटें 2019 में बीजेपी ने 1 लाख या उसके कम अंतर से जीती थी, 77 सीटें, उसमें बीजेपी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ था। इस बार उन 77 सीटों पर बीजेपी के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ है, कोई उसमें फटकाव नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो क्या मानकर चला जाए कि 303 में से 77 सीटें तो बीजेपी शर्तियां इस कारण हार रही है, क्या मानकर चला जाए? अब इन 77 सीटों में भी देखिए, 41 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 50,000 के कम अंतर से जीती थी, 25 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 25,000 वोटों के कम अंतर से जीती थी, 10 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 10,000 से कम अंतर से जीती थी और 5 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 5,000 से कम वोटों के अंतर से जीती थी। 1 लाख के कम अंतर से जीतने में बीजेपी के लिए मुश्किल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में अपने साथियों के साथ मिलाकर 64 और खुद 62 सीटें ली थी, लेकिन इसमें से 20 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी का जीत का अंतर 1 लाख या उसके कम था। तो ये 20 सीटें कहीं ना कहीं खतरे में है। इसी तरह देखा जाए तो बंगाल में 10 सीटें, उड़ीसा में 7 सीटें बीजेपी ने 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। उड़ीसा में इस बार कहा जा रहा है बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने 21 में से 8 सीटें जीती थी और 8 में से 7 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। तो फंसी हुई सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में चली गई थी, जरूरी नहीं है इस बार चले जाए। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, चारों की चारों 1 लाख के कम अंतर से जीती। तो यहां भी क्या फंसी हुई सीटें बीजेपी को शून्य पर ला देंगी? सवाल उठता है, सिर्फ सवाल उठता है। कर्नाटक में बीजेपी ने 7, छत्तीसगढ़ में 5, बिहार में 2 और राजस्थान में 1 सीट 1 लाख के कम अंतर से बीजेपी ने जीती थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि फंसी हुई सीटें पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई हैं।
पहले जहां कहा जाता था पुलवामा था, मोदी जी का सिक्का चल रहा था 2019 में, एंटी इनकम्बेंसी कम थी, सांसदों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी कम थी, इस बार पुलवामा नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है, विपक्ष एक है, मोदी का सिक्का, मोदी का जादू, मोदी का चेहरा उतना चल नहीं रहा, उतना बिक नहीं रहा, सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, फंसी हुई सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 380 सीटों पर जो चुनाव हो चुका है उसमें से ये 270 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। अब इस पर कितना विश्वास किया जाए, कितना विश्वास नहीं किया जाए, स्वाभाविक है कि ये कार्यकर्ताओं में जोश जलाने के लिए है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इस बार 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 ये फंसी हुई सीटों की, महाराष्ट्र में तो कुछ लोग कह रहे हैं 48 में से 48 की 48 सीटें फंसी हुई हैं। क्यों? क्योंकि शिवसेना के दो फाड़ हो गए, कौन सी असली है कौन सी नकली है मतदाता तय करेंगे। एनसीपी के दो फाड़ हो गए, कौन सी असली है कौन सी नकली है मतदाता तय करेंगे। कहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में लड़ रहे हैं, वहां पर क्या होगा? कहीं शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, वहां क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कोई चुनाव ही नहीं हुआ जिससे अंदाजा लगा सकें, था लगा सकें कि कहां क्या नतीजा हो सकता है किन सीटों को लेकर। तो इस बार यकीन मानकर चलिए, वाकई में मामला फंसा हुआ है। ये फंसी हुई सीटें किसके पक्ष में जाएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर एक सर्वे पहले आया था जिसमें या एक टेंडेंसी बताई गई थी कि फंसी हुई सीटों में से बीजेपी ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब नहीं होती मोटे तौर पर जब वो शासन में होती है। ये फॉर्मूला अगर 2024 में चल गया तो वो 77 सीटों का क्या होगा, और 303 में से 77 सीटें माइनस कर दीजिए तो बीजेपी धड़ाम से 222-223 पर आकर गिरती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।